हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मैं नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो काफ़ी टाइम ऐसी वीडियो आ रही है, टाइम बाद ऐसी वीडियो आ रही है क्योंकि ज़रूरी है। तो ट्रांसफ़र प्रोसेस 2024 में कुछ थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, वो चेंजेस आपको बता देते हैं। हालांकि वो चेंजेस बता दिए लेकिन अब मैं कंप्लीट वे में बताऊंगा क्योंकि मैं अब उस बात को लेकर श्योर हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता था कि 2024 का ट्रांसफ़र प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी दो तीन दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था जिसमें 1455 टीचर्स है जिन्हें 2022 में ट्रांसफ़र किया था केवीएस में, उन लोगों ने केस किया था मिलकर और वो लोग जीत गए हैं। तो उन लोगों को इस ट्रांसफ़र प्रोसेस में एलिजिबल करा है। अब सुन लो, हो क्या क्या हो ये गया कि उन लोगों 1455 टीचर्स को फॉर्म भरने का लास्ट डेट ये 6 अप्रैल है और उसके बाद इसी मंथ लास्ट से पहले 25-26 ऐसी, मतलब अप्रैल लास्ट से पहले उन लोगों का ट्रांसफ़र दे दिया जाएगा। क्योंकि उन लोगों को गलत उठाया था केवीएस में 2022 में, उन लोगों ने केस किया और वो जीत गए, तो अब वो अपनी मनचाही जगह पे जाएंगे। तो सिनेरियो ये बैठ रहा है कि 24 में जो ट्रांसफ़र प्रोसेस हो रहा था, हम भी एलिजिबल होते नहीं होते वो अलग बात है, या जो भी एलिजिबल होता उनको सबसे पहले ये 1455 टीचर्स को मौका मिलेगा, क्योंकि ये जहाँ जाना चाहते हैं इन्हें वहाँ जाने दिया जाएगा। अप्रैल लास्ट में इनका ट्रांसफ़र ऑर्डर रिलीज हो जाएगा। बाकी जो फिर एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उन लोगों को उसके बाद मौका मिलेगा, क्योंकि इनका तो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया कि भाई इन्हें पहले इन्हें मौका दो क्योंकि ये गलत उठाए गए थे। तो इनको जो भी ये चॉइस मांगेंगे वहाँ भेज दिया जाएगा, इसके बाद हम लोगों को या जो एलिजिबल है उनको मौका मिलेगा और फिर वो यहाँ से ट्रांसफ़र लेके अपने अपने घर जाएंगे। ठीक है, तो जो लोग वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, आपको मैं पहले भी कह चुका हूँ, एक बार फिर बता रहा हूँ कि ये ट्रांसफ़र प्रोसेस आपके लिए एक अच्छा बेंचमार्क है। जैसे ही ये कंप्लीट होगा आपको वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी, और इस बात पे पूरा यकीन रखें। और बेवजह चीज़ें नहीं बनाई जाएगी, नहीं बताई जाएगी। तो एक बार समराइज़ कर देता हूँ, 1455 टीचर्स को अप्रैल लास्ट से पहले ट्रांसफ़र दे दिया जाएगा और उसके बाद हम लोगों के लिए वो पोर्टल खुलेगा, क्योंकि हम लोगों को उनके साथ पोर्टल में मौका नहीं दिया जा रहा, क्योंकि उनको पहले उनकी जगह दी जाएगी। क्योंकि हम लोगों में से कोई ने अगर उनकी जगह मांग ली तो वो फिर दोबारा केस करेंगे और फिर ये डेडलॉक सिचुएशन फंस जाएगी। तो ये है ट्रांसफ़र प्रोसेस 2024 का, और इसी वजह से थोड़ा सा डिले सा चल रहा था, जो कि हम सोच रहे थे कि ये प्रोसेस कब स्टार्ट होगी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। बाकी जो वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहा है अपना एग्ज़ाम की तैयारी करते रहे, जो भी एग्ज़ाम आपके आसपास है, और वेटिंग लिस्ट आने के बाद आप लोगों को केवीएस से खुशखबरी मिलेगी जिसको भी मौका मिलने वाला है। धन्यवाद।